पब्लिक टीवी आपकी आवाज। रविवार को खुशालपुर स्थित ट्यूब इंस्टीट्यूट में प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 400 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। मंडल से आए छात्र छात्राओं ने अपने बेहतर भविष्य को लेकर परीक्षा दी और छात्र छात्राओं ने परीक्षा के प्रति उत्साह दिखा। परीक्षा को नकल विहीन करने के उद्देश्य से स्कूल में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था भी की गई थी, साथ ही एक कक्षा में अध्यापक की ड्यूटी लगाई गई थी। परीक्षा को आसानी से कर सके तो ट्यूब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अर्पित सक्सेना ने बताया कि परीक्षा के पास होने के बाद ही बच्चों का प्रवेश होगा। हमारे इंस्टीट्यूट में सभी कोर्सों की व्यवस्था है। ट्यूब इंस्टीट्यूट की हमारी नई ब्रांच का ओपनिंग की गई है, जो कि खुशालपुर में इसका शुभारंभ हुआ है। उसकी प्रवेश परीक्षा करवाई जा रही है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान की प्रवेश परीक्षा है। इसमें परीक्षा के माध्यम से बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। जैसे कि जिन बच्चों के 91 से ऊपर मार्क्स आते हैं तो उन्हें प्रति माह ₹550 प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाएगी, तथा उनको कंप्यूटर का कोर्स निःशुल्क करवाया जाएगा। हमारे 400 से ऊपर बच्चों ने प्रतिभाग किया। हमारे संस्थान में कंप्यूटर के कोर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, CCC, ओ लेवल, इसके साथ में अंग्रेजी बोलना भी सिखाया है। गरीब बच्चों के लिए और कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का आयोजन करवाया गया है। जो गरीब वर्ग का बच्चा और कमज़ोर वर्ग का बच्चा है, जो कि कंप्यूटर सीखने में असमर्थ है और पढ़ाई में होशियार है, तो वो इस परीक्षा के माध्यम से अपने आप को निःशुल्क भी करवा सकता है, हमसे छात्रवृत्ति भी प्रदान कर सकता है। इस एग्ज़ाम के माध्यम से और ट्रूप इंस्टीट्यूट के माध्यम से मैं सारे समाज को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जब तक हमारा समाज पढ़ेगा नहीं, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और आजकल का समय कंप्यूटर के लिए है। कंप्यूटर का ज्ञान, मीडिया का ज्ञान, टेक्निकल एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि बच्चे को आगे बढ़ने में एक अच्छा रोज़गार प्राप्त हो सकता है।